तो फाइनली यहाँ पर एल जी क्यू सिक्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और अभी ऑलरेडी आपने हमारे पास स्टूडियो को देख चुका है कि एल जी क्यू सिक्स और क्यू सिक्स प्लस में अभी ओरियो अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है, और सबसे बड़े अपडेट्स कुछ इसमें आए हैं जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो अपडेट्स का। तो फाइनली अभी वो अपडेट्स में हमें मिल गया है, क्या मिला है वो भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर जो कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं एल जी क्यू सिक्स में, पहले तो यहां पर जो यूजर इंटरफेस है अभी पहले से काफी ज्यादा और काफी बेटर स्मूथ हो गया है, काफी अच्छा हो गया है। इनफैक्ट यहां पर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, कैमरा में थोड़ा एक डलनेस था, तो कैमरा में यहाँ चेंजेस किए गए हैं। कैमरा में यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैमरा में यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप कि अगर हम यहाँ पे फ्रंट कैमरा में जाते हैं तो फ्रंट कैमरा में यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड और ब्यूटिफिकेशन अब आप साथ में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा चीज़ दिख जाता है, और यहाँ पर अगर कैमरा में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए। अगर बैक कैमरा में बात करूँ तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं तो फुल विजन करके भी अगर आपको यहाँ पे एक दिखता है, फुल विजन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर का जो पट्टा यहाँ होता है वो हट जाता है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ दी गई है, तो कैमरा यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर हम यहाँ पर बात करें और भी कुछ नए फीचर्स की, तो जहाँ पर अगर आईफोन यूज़र्स हैं, आईफोन यूज़र्स को फ्लैश लाइट पे इनकमिंग कॉल्स की सबसे पहले फीचर्स मिले थे, तो यहाँ पर अभी ये एंड्रॉयड में भी आना शुरू हो गया है। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि जब इनकमिंग कॉल्स आए तो फ्लैश लाइट जले, इसके लिए हम लोग थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते थे अभी तक। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एल जी Q6 और Q6 प्लस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फ्लैश अलर्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स यहाँ पे आपको दिखता है। तो जब भी आप कॉल, आपको कोई इनकमिंग कॉल आएगी तो आप यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर लें, जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो इनकमिंग कॉल्स पे यहाँ पर आपको फ्लैश आपके फ़ोन में पीछे ब्लिंक करेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है, तो इसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर लेता हूँ। अगला और फीचर की बात करूं तो यहाँ पर रिंगटोन्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे नए रिंगटोन्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपडेट हम वेट कर रहे थे वो था कि एल जी Q6 और Q6 प्लस में हमें साउंड क्वालिटी और इफेक्ट्स यहाँ पे इक्वलाइजर्स यहाँ पे सेट हमें करने को नहीं मिलता था, लेकिन फाइनली यहाँ आप देख सकते हैं कि साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखता है, जिसमें DTS:X 3D साउंड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब आप इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे अब आपको एल जी Q6 में अपना इक्वलाइजर सेट करने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे DTS:3D साउंड जो है, इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर ईयरफोन कनेक्ट करना होगा अपने फ़ोन के साथ। जैसे आप कनेक्ट करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसे यहाँ पर वाइड फ्रंट और साइड व्यू के साथ आप अपने फ़ोन में DTS साउंड का मज़ा ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि अभी तक ये सबसे बड़ी क्वेरी थी लोगों की कि इसमें हम इक्वलाइजर में साउंड कैसे सेट कर सकते हैं, जो कि फाइनली यहाँ पर आपको अब एल जी Q6 और Q6 प्लस में आपको ये साउंड एडजस्ट करने के लिए, वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए, क्वालिटी एडजस्ट करने के लिए आपको DTS:X 3D साउंड की फीचर यहाँ पे मिलती है। हम अगर अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पे जनरल में जैसे ही आप जाते हैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में, तो यहाँ स्पेशल एक्सेस में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नए जो फीचर्स ऐड किए गए हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक और फीचर जो है वहाँ पर आपको यहाँ पे दो तरह के नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है यहाँ पे VR हेल्पर सर्विसेज, जहाँ पे आप VR हेल्पर में जाकर के VR एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, और दूसरा यहाँ पे आपको PIP मिल जाता है, जो कि पिक्चर इन पिक्चर आपको यहाँ पे अब देखने को मिलता है। तो एल जी Q6 में यहाँ पर और Q6 प्लस में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नए नए अपडेट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब आपका फ़ोन और भी स्मूथ बनने वाला है। अगर मैं यहाँ जनरल सेटिंग्स के अंदर ही जनरल की बात करूँ, एक्सटेंशंस में आपको गेमिंग ऑप्शन यहाँ पे एक दिखता है, जो भी हैवी गेमर्स हैं या फिर गेम खेलते हैं तो गेम खेलने की वजह से जब भी आप गेम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ गेम टूल में गेम ग्राफिक्स, ब्रेक टाइम, गेम टूल्स, ये सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। और गेम ग्राफिक्स में अगर आप जाते हैं तो जो भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है वो यहाँ पे दिखेगा, और उसका आप ग्राफिक्स और उसे बूस्टेड मोड में आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर ये सारे जो नए अपडेट हैं, ये लेटेस्ट अपडेट हैं, मैं बोलूँ एल जी Q6 की तरफ से, ये सबसे बेस्ट अपडेट अभी तक के हैं। और डेफिनेटली अभी इक्वलाइजर दे करके एल जी Q6 एक पहला हैंडसेट था 18:9 रेशियो पे स्क्रीन पे फ़ोन आने वाला। अभी डेफिनेटली ये फ़ोन नो डाउट अपडेट के बाद अभी और बेहतर हो गया है, और बहुत ही अच्छा हो गया, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो गया है, और यहाँ पर आपको साउंड की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर दी गई है।
तो यहाँ पर एंड्रॉयड 8.1.0 चल रहा है, जिन लोगों को अपडेट मिला है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं मिला है थोड़ा वेट कर लें, आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो फटाफट कर लें, और वीडियो को शेयर करें, और बने रहे गैजेट फ्रिक के साथ, और बोलते रहे जय हिंद वंदे मातरम।